टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंदौर के बारे में, राइट? तो यहाँ पे हम कई सारे कॉलेजेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे टॉप कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पे यू नो एवरेज कॉलेजेस भी हैं, और हो सकता है कुछ बिलो एवरेज कॉलेजेस भी हो, राइट? ये अनफिल्टर्ड वीडियो है. अनफिल्टर्ड का मतलब क्या है मेरे कहने में, जो मेरी कंटेंट टीम कंटेंट बनाती है उस कंटेंट को हम, मैं पहले वेरीफाई करती हूँ क्या सही है क्या गलत है, और देन हम कहीं ना कहीं उसको पब्लिश करते हैं, देन मैं शूट करती हूँ. बट ये सारी वीडियोज ऐसी है कि कंटेंट टीम ने बनाया है, मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है ताकि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं कि ये सेम चीजें आपके साथ होती हैं जब आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हो, बिकॉज दे काइंड ऑफ रिसर्च फॉर ऑल दीज कॉलेजेस ऑनलाइन एंड देन दे काइंड ऑफ क्रिएट दीज content. So that is the reason unfiltered video. So hi, my name is Arshikan and you're watching MBA with Arshikan. And let's start with Indore colleges, right? And I think whenever we talk about Indore, it's all about IIM Indore, which is known for its college life, beautiful campus and the average package, which is 18 lakh rupees. The fee structure is 16 lakh 50,000. Indore is the second Silicon Valley of India after Bangalore. Mini Bangalore kehlata hai, agar hum Indore ki baat kare. Moving to the next college, we have Institute of Management Studies, jiska naam bahut zyada hai. That is IIMS का DAVV, right? ये government college है. इसके लिए बहुत बच्चे पूछते हैं, स्पेशली जो एमपी में रहते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एवरेज पैकेज फी स्ट्रक्चर बहुत कम है. एवरेज पैकेज आप मान सकते हैं 3-3.5 लाख का है. 100% प्लेसमेंट नहीं है, एक्सपोजर बहुत नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज है. बट अगर तुम्हारा कम बजट है, तुम्हें गवर्नमेंट का टैग चाहिए, तुम्हें आरओआई चाहिए, तो तुम इस कॉलेज को कहीं ना कहीं देख सकते हो. थर्ड पे इन्होंने रखा है सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस. यार सिम्बियोसिस इंदौर उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस आने चाहिए जो मैंने बाकी की स्लाइड्स में देखे हैं. पर क्योंकि आप गूगल पे सर्च कर रहे हो सकता है देयर माइट बी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पेड प्रमोशन, तो इसमें थोड़ा सा बचना. ये कॉलेज मुझे लगता है अगर आप इंदौर में, आपका बजट हाई है, तो आपको लास्ट में कंसिडर करना चाहिए बजट हाई वाली कैटेगरी में. जो एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं 6.5 लाख का, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू. 5,60,000 is the fee structure. Then moving to the next college, that is Prestige. Prestige का भी नाम काफी है after IIMS DAVV. 2 लाख के आसपास का fee structure है. CMAT के basis पे admission लेता है. Graduation के basis पर difficult हो जाता है because जिन बच्चों को MP के बाहर नहीं जाना है वो भोपाल में IIPT देखते हैं और इंदौर में Prestige देखते हैं. तो college की demand बहुत अच्छी है, college life भी अच्छी है. Placement में थोड़ा सा हो सकता है compromise करना पड़े. 1,78,000 is the fee structure. जो average package भी होगा वो 3 लाख के आसपास का होगा. कॉलेज में एक्सपोजर अच्छा है, इवेंट्स अच्छे हैं, क्लब्स हैं, राइट? सारी चीजें अच्छी हैं. एवरेज पैकेज थोड़ा सा तुम देख सकते हो. देन वी हैव जयपुरिया. मुझे लगता है सिम्बियोसिस के ऊपर इसको आना चाहिए. जयपुरिया की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हो. एवरेज पैकेज अगर हम जयपुरिया की बात करें तो 6,73,000 का क्लेम करते हैं. इस कॉलेज का क्या है, इनका सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट है. इनका नोएडा में, लखनऊ में भी कैंपस है और उन सभी के बच्चे एक साथ बैठते हैं. करिकुलम इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू जयपुरिया इंदौर, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लेने से पहले और एडमिशन लेने के बाद उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस रहे हैं. बाकी यू नो दिस इज ऑल्सो वॉट यू कैन कीप इन योर लिस्ट. यहाँ पे प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा रोल, बजट का एक बहुत बड़ा रोल, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वेरी करेगी. तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो. विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. ट्रस्ट मी, मैंने इस कॉलेज का नाम नहीं सुना है. हो सकता है मैं इस वीडियो को बनाने के बाद चेक करूं इस कॉलेज को कौन सा है, पर एज पर कॉलेज एवरेज पैकेज 4 लाख का है, 3,25,000 की फीस है. एंड आई डोंट नो अबाउट दिस कॉलेज, सो आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हो सकता है आपकी लिस्ट, आप भी जब गूगल पे सर्च कर रहे हो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आ जाए जो आई थिंक जहां एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए. तो भाई एडमिशन लेने से पहले 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख इन्वेस्ट करने से पहले पूरा एनालिसिस करो फिर एडमिशन लो, राइट? Then we have MET Global Business School. When I was going for my engineering, that point of time, मैं MET का जो मेरा exam था वो देने के लिए यहाँ गई थी. And जिस दिन मैं गई थी उस दिन I think छुट्टी थी या कुछ था, मतलब it's a kind of one, एक building में एक पूरा फ्लोर है, राइट? तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लासेस चलती है, तो you get a feeling कि you know आप किसी ऑफिस में आए हो, राइट? बट येस दैट्स अ बी स्कूल. ये कम फीस में आरओआई का बोलते हैं. फीस 4,30,000 मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा होगी, इतनी फीस स्ट्रक्चर नहीं होगी. बाकी एवरेज पैकेज जो है वो आप यही मान के चल सकते हैं कि 5 लाख, 4.5-5 लाख के आसपास का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज होगा व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज. एमईटी इज नोन फॉर नोएडा. नोएडा
इज समथिंग जहां पे यू नो आई थिंक जिनके पास पैसा है वो जाते हैं, पर एवरेज पैकेज वहां पे भी थोड़ा सा नॉट सो सैटिस्फैक्टरी बिकॉज एमएटी कोई पैसे के लिए नहीं जाता है. पढ़ाई जरूर अच्छी है, दैट इज समथिंग व्हाट आई कैन से दिस, एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेजेस. यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस हैं जो मिसिंग थे, जिसके बारे जो हो सकते हैं, जैसे सनस्टोन ने अभी कुछ साल पहले अपना स्टार्ट किया है सनस्टोन यूनिवर्सिटी ने इंदौर में, राइट. उसके बाद सेज यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यू नो आई थिंक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मुझे आईपीएस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, पर अगर आपके दिमाग में उनसे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. बाकी ये था वीडियो टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंदौर के बारे में. वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ. आई होप यू like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.